रहे पलुआर सेवा होके तुहार बाबू। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग को दुआ के साथ साथ आशीर्वाद भी मिल चुका है पिताजी से हमारे, और इसे कबूल कर लीजिएगा क्योंकि बार बार नहीं दिलाऊंगा मैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आप सबका दीपावली कैसे रहा? और मेरा दीपावली तो अच्छा ही रहा, परिवार साथ हमने मनाया। आज छुट्टी भी हमारा है, आज दुकान भी नहीं है, लेकिन मेरा घर है और ये गेट है मेरा, आप देख सकते हैं, तो ये मेरा घर है और मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ खेत के लिए। तो देखता हूँ खेत में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कभी छुट्टी नहीं मार पाता हूँ। तो हाँ, देखिए हमारी मेरी वाइफ हैं, आज कैमरे के सामने आ गई, आती नहीं है। तो चलता हूँ खेत में, देखता हूँ क्या क्या होता है। हम दोनों जा रहे हैं खेत में, एक आराम में बैगन तोड़ूंगा और ये भूजा ले चल रहा है और रास्ते में खाते जा रहा है। और अभी देखो खा के आया, मोमो बना था, इसकी मम्मी मोमो बनाई थी और खा के निकला है। अभी भी इसको भूख ही लगी है, कह रहा रास्ते में चलो टॉफी ऑफी दिला, पता नहीं कितना खाता है मेरा बेटा। अब चल रहे हैं, अंकुश कहीं हाय कर देव, कह दे बाय बाय। कैसे हैं आप लोग? देखो दोस्तों, कोचिंग में हम और उसके टीचर आशुतोष रास्ते निकल गए हैं। अभी है दुर्गेश का घर, कैमरा मैन दुर्गेश, दिन में देख लीजिए, दिन में अक्सर हम रात में ही मिलते हैं। ये घास है और बकरियों का मेला है यहाँ। अंकुश तंट बकरी पकड़ ले, बक का वो दोस्तों देखिए गांव के रोड पर बैठे हैं बकरी चरा रहे हैं, आप बकरी पीछे मैं देख सकते हैं। जब देखो तब खाने पी लगे रहते हैं, और देखिए भूजा उजा आ रहा रास्ते पर, खाते आया ख़त्म कर दिया। अब कह रहा कि चलो पापा घर, अब खाएंगे कुछ और खाएंगे। अब कह रहा चलो बैगन तोड़ के दो, हम बैगन तोड़ के खाएंगे। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अरे तो पकड़ लिया बकरी को, ओ हो भाग रही है, ओ हो फॉलेंथ आप लोग देख सकते हैं। इसी फॉलेंथ हम लोग सुबह सुबह जाते हैं, अक्सर हम मैं मॉर्निंग में ही सुबह में ही वीडियो बनाता हूं, पर आज छुट्टी है तो आज आपको अपना खेत दिखा दे रहा हूं। चल बेटा, ये देखिए खेत में पालक जाम चुका है और मुझको लगता है कि 8 से 10 दिन में पालक ये तैयार हो जाएगा। देखिए ये मूली है जो खेत में है और तैयार होने के कंगाल पर है, 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये मेरा खेत है, मूली और साग बोया गया है, अब बगल में बैंगन है। और देखिए खेत में जो खर पतवार रहते हैं वो हमारे घर के सब निकाल रहे हैं। और पिताजी हमारे भी यहीं खेत पर हैं, वो खेत का मुआयना कर रहे हैं, कहाँ घास जमा है कहाँ नहीं जमा है। देखिए अभी हम लोग सुबह में बोए हैं, इसमें जमा नहीं था तो सुबह में आके कोड़ के इसको हम लोग बना कर बो दिए हैं, अब वो लेट होगा। तो देखिए हमारे पिताजी आ रहे हैं और खेत का मुआयना कर रहे हैं। आज बैगन ने तो ये दवाई मराई। चलो ठीक है,
बैगन नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि खेत में दवा मारा गया है, बहुत ज़्यादा कीड़ा पड़ रहे हैं। और हम लोग दो पन्नी लेकर आए थे, मैं और अंकुश। पिताजी बोल रहे हैं कि सूरज दवा मार के गया है, जो तोड़ने लायक नहीं शायद, अभी दवा भीना नहीं है बैगन पे और इसलिए खाने लायक नहीं है। कब मरना है बुआ? दोपहर में मर लो। आशीर्वाद दे दो लौका ना कहा आशीर्वाद। हाँ खूब जी हाँ सुखी रहा सुखी। देखिए दोस्तों ये हमारा बैगन है जो काफ़ी फूल आ चुके हैं पर बहुत ज़्यादा कीड़ा लग रहे हैं, इसलिए इसमें दवा मारा गया है, इसे तोड़ नहीं, अब तोड़ेंगे नहीं। तोड़ने के लिए इरादे से तो आए थे हम, दो पन्नी लिखाए कि एक दो किलो तोड़ेंगे पर अब नहीं तोड़ पाएंगे। देखिए दोस्तों हमारे भाभी हैं खेत को, ये मूली का पालक खेत में से जो घास होता है उसे बाहर निकाल रही हैं, आलू देख सकते हैं। देखिए यही घास है, अब ये जाएगा घर पर चारा बन जाएगा, दो गाय हैं उनके लिए काम करेगा, ये जाकर चारा उखाएंगी। तो दोस्तों इसे दो काम हो जाता है, एक तो खेत की सफाई हो जा रही है और दूसरा काम है कि जो गोरु हम लोग घर पर रखे हैं दो तीन गाय, उन लोगों को खाने का भी व्यवस्था हो जा रहा है। तो एक पंथ से दो काम हो जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम, रखो वहाँ। ये देखो आते ही अंकुश यहाँ शरारत करने लगा है, इसको परेशान कर दिया है। ये मूली देखो सब कीड़ा लग रहा है मूली में ना, इसका सब्जी बनाओगे? देखो दोस्तों अंश है, अंकुश अंश तो आया नहीं, वो गया कोचिंग के लिए। अंकुश है जो खेत में खेल रहा है, इधर से तो परेशान कर रखा है। अंकुश मत करो बच्चा कचरा मत, अब बिला दे चप्पल तुआर, चप्पल बिला जाएगा ठीक। इस समय पशुओं को चारा खिलाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि भूसा भी अब ख़त्म हो के नचाने हो गया है, भूसा भी ख़त्म हो चुका है जो हम मात्र चलिए 10-15 दिन और चलेगा क्योंकि एक दो गोरु और आ गए, पशु आ गए, इसलिए वजह ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों जो भी नए यूजर आए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपसे उम्मीद बन ही रहती है। और देखिए हमारे पिताजी वहाँ बैठे हैं, आराम भी कर रहे हैं, खेत का निरीक्षण करते हैं। मुझे समय नहीं मिलता है, करीब बहुत दिन के बाद यहाँ हम छुट्टी मार के, बट वो ना छूटा वो दवा मार गया, लगे हाथ खजवाने लगेगा। इतना दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिन में अक्सर आप लोग देखते हैं मैं रात में ही वीडियो बनाता हूँ, 4:30, 4 बजे, 5 बजे निकलता हूँ और सुबह भिनसारा में वीडियो बना कर आपको दिखाता हूँ। अक्सर कमेंट में आता है कि आप दिन में क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज छुट्टी मिल चुका है आपका, वो भी एक है जो शिकायत था वो भी हमने ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं बैगन खेत में हूँ और नीचे मूली बोया गया है जो बहुत ज़्यादा घास है, उसे घास को निकाल कर बाहर निकाला जा रहा है, इससे ये हुआ कि खेत का भी सफाई हो जा रहा है और पशुओं के लिए चारा भी हो जा रहा है। तो दोस्तों गांव का यही एक है, घर से खेत, खेत में। दोस्तों अब लोग हम निकल चुके हैं, हम अंकुश फकर बेटा तब न दुखे वहाँ देखो, हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं खेत में पानी चलाने के लिए, जो हम लोग कल की वीडियो में डाले थे, जो मेरी हम लोग बनाए थे खेत में जाकर, अब उसमें पानी चलाने का समय आ गया है। तो दोस्तों बने रहिए, आपको दिखाता हूँ कैसे पानी उन्हें चलाया जाता है। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से, देख सकते हैं मैं और अंकुश जा रहे हैं। दोस्तों ये हमारे फ्रेंड इंद्रजीत का घर है, उनका घर का सफाइया हो रहा है और देखिए यही गली पकड़ के हम चल रहे हैं, उस रास्ते हम अपने खेत में पहुंच जाएंगे जहां पानी चलाने का व्यवस्था हुआ है।
दोस्तों हम आ चुके हैं अपने खेत में। देखिए दोस्तों ये हमारा खेत है। इतनी चाय सुहार है? हाँ एक ही चाय मिटाइए अंकुश रुक जा। देखिए दोस्तों हम लोग अपने खेत में आ चुके हैं। अरे देखिए पाइप बीच लगा है, अब इसको हम लोग बिछाएंगे। और इस हमने वो दिन कुएं दिखाया था, इसी कुएं से पहले हमारे पिताजी या उनके पिताजी पानी चढ़ाते थे इस खेत में। और लाइट बेटा लाइट मार दी उमन, तार में लाइट है। तो दोस्तों आज देखिए पाइप आ चुका है, पाइप बैठा है अंश, अंकुश बैठा है उस पर और मैं भी कुदाल लेकर आ गया हूँ। और हम लोग चल रहे हैं, देखिए पूरा खेत को पानी चलाना है और देखते हैं कब तक ये पानी होता है। जो वहाँ से तार आया है यही तार गया, देखिए अब ये लगा है मोटर, इसी मोटर से पानी चलेगा। पहले यहाँ था मोटर, यहाँ टेबल था, टेबल जो उससे पानी चलता था, अब ये ख़राब हो चुका है। अब देख सकते हैं ख़राब हो चुका है, ये लिंटर भी गिर रहा है। तो बगल से जो पल हुआ वहाँ से निकाल कर देखिए मोटर बैठा दिया गया है। अब इसी मोटर से हमारा पानी चलेगा हमारे खेत में। अब देखते हैं अभी दूसरे का पानी चल रहा है, देखिए देख सकते हैं अभी कमलेश का पानी चल रहा है। और देखते हैं कब तक चलता है उनका, उसके बाद मैं अपना पाइप बिछाऊंगा। दोस्तों देखिए खेत में पानी चल रहा है इनके। अब जैसे इनका खेत होगा, इनका भी एक दो तीन चार चार खेत चार क्यारी बाकी है, जैसे इनका पूरा होता तो मैं अपने खेत में पानी खोलूँगा। आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, नए यूजर हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये कमलेश भैया हैं, इनका ही पानी चल रहा है। और इंद्रजीत कहाँ बैठा है? बाहर। कहाँ मानो बाहर? कहाँ? नोएडा में। नोएडा में कौन काम करता होगा वहाँ? चलिए मिलते हैं, देखते हैं कब तक हमारा समय आता है पानी चलाने का। देख सकते हैं अब मेरे खेत में पानी पाइप बिछ रहा है। देखिए वो सुग्रीम बिछा रहा है और अंकुश उसके साथ साथ चल रहा है। और दोस्तों देखिए हम अपने खेत में ये सब एक बांस वस गाड़ के ऊपर तार को ऊपर करेंगे, ताकि किसी को अगर कहीं कटा पिटा हो तो लाइन ना मारे किसी को। बाय 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 बाय। अंकुश हमारे पीठ लग चुका है, आज छोड़ नहीं रहा है मुझको। देखिए वो वीडियो हो रहा है, देखिए दोस्तों पानी चल रहा है। बस 5 मिनट और लगेगा उनका, उसके बाद मेरे खेत में पानी जाएगा और रात हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही पानी में चालू करता हूँ तो मैं देखता हूँ। आराम से बेटा आराम से गिर जाइए, कहाँ लग जाइए। दोस्तों देखियो ये अंकुश हमारे कंधे बैठ गया है और मजा ले रहा है मेरा। दोस्तों हमारा वीडियो आगे देखने के लिए बने रहिए। और मैं अभी अभी पानी चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पानी देखिए हमारे लोग का पाइप बीत चुका है। और जैसे ही पानी चला रहा हूँ मैं आपको कर दे रहा हूँ। यह देखा बेटा, देखा बेटा। दोस्तों अभी पानी चलाने में बड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत कम दे रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो दोस्तों अब आगे देखने के लिए, आगे पानी हम लोग चलाने तो जा रहे हैं पर अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। दोस्तों गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।